Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pooja. Cut it, cut it. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ब्लॉग्स में। तो आज है दूसरा दिन हमारी ट्रिप का और सुबह अभी 7 बजे हैं और ठंड का माहौल जैसा कि यहाँ पे था उस टाइप से कुछ नहीं है, नॉर्मल ठंड पड़ रही है जैसे अपनी जयपुर में थी। अभी हाल फिलहाल तो क्या है कि सभी बच्चे जैसे अभी सो रहे हैं, तो जैसे वो उठ जाते हैं उसके बाद हम लोग निकलेंगे आज एक्सप्लोर करने के लिए माउंट आबू को। अभी जो हमारे साथ वाले जो कपल थे वो अभी सोए हुए हैं, जैसे वो जाग जाते हैं उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तब तक मैं आपको यहाँ से जो एक नज़ारा दिख रहा है वो दिखा देता हूँ। तो भाई साहब अभी का सीन ये है कि हम लोग निकल चुके हैं माउंट आबू से गुरु शिखर के लिए और हम लोगों ने अभी यहाँ पे रेंट ली है ये 2 स्कूटीज। तो एक तो ये है, सेकंड वन वो है। ये दोनों स्कूटियाँ हमको पड़ी है 200 रुपए ईच और हम लोगों ने इस पे पेट्रोल फिल करवा लिया है। तो भाई साहब अभी यहाँ से है ना ये बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए थे थोड़ा सा। और वो देखिए बच्चे वहाँ पे फोटो सेशन, पूरा फुल जोर से फोटो सेशन चल रहा है। तो एक काम करते हैं आपको फटाफट यहाँ का व्यू दिखाते हैं और फिर हम भी लेते हैं एक छोटा सा यहाँ का मतलब फोटो सेशन तो कर ही लेते हैं, बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। तो ये वाला व्यू है, तो अभी एक्शन कैम से इतना दिख नहीं रहा होगा, आप देखिए इसको मोबाइल के कैमरे से। तो यहाँ से एक व्यू आ रहा है, तो भाई साहब यहाँ से देख लो व्यू, देख लो ऐसे ही शानदार जानदार जबरदस्त, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है, अल्टीमेट व्यू यहाँ पे भाई साहब। ओके वहाँ पे वापस से फोटो सेशन शुरू। फोटोज देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा हम लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल itsMkumar पे, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे व्यू देखो बड़ा ही शानदार बीच रास्ते के अंदर।
अभी जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं वहाँ पे आप देखिए जो एल्टीट्यूड है वो 1683 मीटर का एल्टीट्यूड है भाई साहब, देखो 1683 राजस्थान का टॉप मोस्ट एल्टीट्यूड। तो हाल फिलहाल अभी यहाँ पे जो है चाय पकौड़े के लिए ब्रेक लिया गया है, मतलब सबकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर हम चाय नाश्ता करते हैं। यहाँ पे इनका भी सजना संवरना स्टार्ट देखिए। ओके जल्दी से यहाँ से हमें चाय नाश्ता कंप्लीट करते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो टाइम हो गया 3:30 और हम लोग अभी गुरु शिखर से कंप्लीट करके सारा अभी नीचे आ गए हैं। भाई साहब जो स्कूटीज थी उन पर काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को और अभी सीन ये है कि हम लोग यहाँ से सीधा निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। तो चलिए फिर फटाफट बिना किसी तरीके क्योंकि टाइम हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा और वहाँ पर शायद कर्फ्यू का कुछ सीन रहता है, तो हम लोग जल्दी से उदयपुर पहुँचते हैं। तब तक आप लोग ये रास्ता इन्जॉय कीजिए। तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अभी उदयपुर के अंदर और टाइम हो गया है 7:46। एक्चुअली क्या है कोविड के चक्कर में चलते हुए यहाँ पे उदयपुर के अंदर थोड़ा सा कर्फ्यू लग जाता है शाम को 7-8 कर रहा हूँ। तो अभी हमको क्या करना है कि पूरे दिन से हमने कोई खाना नहीं खाया तो हम फटाफट खाना खाएंगे। एक लेकिन आज एक खास पल भी है, आज हमारी वाइफ का बर्थडे है, मतलब पूजा जी का बर्थडे है, तो हम लोग जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, साथ साथ हम लोग खाना भी खाएंगे। चलिए फिर चलते हैं और फटाफट खाना खाते हैं, आइए आ जाओ बर्थडे पार्टी में चलते हैं। तो यहाँ पे बर्थडे के लिए तैयार हो रही है मैडम, जल्दी कीजिए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रही है। कितना टाइम और लगेगा?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pooja. Cut it, cut it. I cut it. तो रात को क्या हुआ, रात को हम लोग काफ़ी थक गए थे इसलिए हम लोग डायरेक्ट सो गए, ब्लॉग को भी एंड नहीं किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करके जाना है, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल itsMkumar पे भी हमको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रही हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा नाथद्वारा राजसमंद का, तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय।